जो पूर्व वक्ताओं ने कहा वही बात है, आपके और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अपन हारे नहीं हैं। सिरोही विधानसभा में भी जब ये अपन जीते थे तो उस समय 81,000 वोट थे, लेकिन आज भी 79,000 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेकर के, बिना मतलब की बात लेकर के गाँवों में आएगी। आप तो एक मजबूत स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत के जो 3 कार्यकाल रहे हैं, चाहे 98 से 2003, 8 से 13 और ये 18 से 23, आप गोयली से रवाना होते हो, सिरोही पहुँचते हो, जितनी भी समाज की शिक्षा संस्थान धर्मशालाएं बनी है, इसका श्रेय जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। चाहे वो गाजी हो, कुमार हो, माली हो, मेघवाल हो, किसी भी जाति की। और अशोक जी गहलोत ने सरकार के हित में राजस्थान में जो निर्णय लिए है, वो भारत के अंदर नंबर 1 के मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। और हमें ये खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक विशेष जाति के ऊपर किस तरह से आपके सामने उम्मीदवार उतारती है। मैं किसी उम्मीदवार का विरोध नहीं करता, पर 15 साल देवजी पटेल यहाँ MP रहे, लेकिन देव जी को ये पूछो कि सिरोही जिले में 514 राजस्व गाँव है, वो करीब 50 गाँवों के अलावा किसी गाँव में नहीं गई। MP कोटे से मिलने वाला पैसा विशेष जगह पर खर्च किया, सिरोही जिले के अंदर कोई उनका पैसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अशोक जी गहलोत के संत वैभव जी गहलोत, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, युवा है, शालीनता है, और वो शख्स है कि जीतने के बाद सरकार किसी की भी हो, जो कहते हैं ना वो कि लाइन में हो तो कि जहाँ शहंशाह खड़ा होता है वही लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा और आपसे यही निवेदन है कि आप और हम सब मिल करके, जिन्हें विधायक का चुनाव लड़ा है, जिन्हें नहीं लड़ा है, पूर्व अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, हमारे विधायक मोतीराम जी है, आनंद जी है, सारे लोग मिल करके जो लोग अपने से कटे हुए हैं, उनको आप बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे अपनी बात बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आने वाले समय में आप और हम सब वापस विकास की गंगा बहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।